हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। और आजकल स्कूल भी खुल गए हैं और अब तो खुल ही जाना है स्कूल को, तो आप इसको बच्चों के लंच में भी आराम से बनाकर भेज सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, और आप बड़े भी इसको बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टेस्टी एंड हेल्दी नमकीन सेवई, जिसको आप मिनटों में बना सकते हैं घर पर। सो आप इसको बना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नमकीन सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स काट लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर सेवई, मूंगफली के दाने लिए हैं, टमाटर लिए हैं, गाजर लिए, शिमला मिर्च, एक कटी हुई मिर्ची, और मैगी मसाला लिया है, और थोड़ा सा धनिया लिया है। और अगर आपको एक दो वेजिटेबल और ऐड करनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे। तो सबसे पहले हम सेवई को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच घी डाला है, और मैंने यहाँ पर एक कटोरी सेवई ली है जो टूटी हुई आती है ना, वो वाली। और अब हम इनको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। आपको सेवई को ज़रूर रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्ट करके सेवई जो बनती है ना नमकीन वाली, वो बहुत टेस्टी बनती है। वैसे ही हम रोस्ट करके जैसे खीर बनाते हैं, वैसे ही हम नमकीन सेवई बनाएंगे। सो बच्चों को रोज़ लंच में पास्ता या मैगी भेजने से अच्छा है आप उनको हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनाइए ये नमकीन सेवई। सो हमारी सेवई जो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, एंड देन हम मूंगफली के दाने भी उसमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। एंड अब हम सेवैयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 to 5 स्पून ऑयल ले लिया है। देन हम इसमें डालें हल्की सी हींग और फिर राई के दाने। देन हम इसमें डालेंगे 4 to 5 कड़ी पत्ते, और फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, एंड हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। हल्का सा हम इसको चला लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे गाजर, फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और अब हम इसमें डाल देंगे मटर यानी कि बीन्स। मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सी मटर ले ली है क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके उनको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम 4 to 5 मिनट उसको चलाने के बाद अब हम उसमें टमाटर डाल देंगे, एंड अब हम उसमें डालेंगे नमक, हल्का सा गर्म मसाला, और फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चला लेंगे। और हम सारी वेजीज को अच्छी तरीके से कुक हो जाने देंगे 4 to 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाल दिया इसमें सेवई, जिससे कि अच्छी तरीके से फूल पाए। और अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। तो मैंने 5 रुपये वाला एक पैकेट इसमें पूरा डाल दिया है मैगी मसाला, और अब हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे सारी। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा हम इसमें सेवई डालेंगे, और अब हम हल्के हाथ से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एंड उसको हम अच्छी तरीके से कुक होने देंगे जब तक सारा पानी सेवई सोख नहीं लेती। तो आपको इसको 4 to 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है अच्छी तरीके से। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं 5 to 6 मिनट के बाद सेवई ने सारा पानी जो है सोख लिया है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे जो हमने रोस्ट किए थे, एंड दैट्स इट। हमारी अब नमकीन सेवई अब बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से ऊपर से मूंगफली के दाने डालकर इसको गार्निश कर देंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसान था इसको बनाना और कितनी जल्दी बन गई है ये। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ये, बिल्कुल भी इसमें ना ज़्यादा पानी हुआ है और ना कम हुआ है पानी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। अब हम थोड़ी सी इस पर हरी धनिया डाल देंगे। सो दैट्स इट, हमारी सेवई बनके तैयार है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी। सो आप देख सकते हैं सेवई कितनी खिली खिली बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार अपने घर पर इस तरीके से आप सेवई को ज़रूर बना के देखिएगा। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।